चलो आपका आपका नाम अरे रिकॉर्ड होनी रिकॉर्ड बोला बाद में काट दे लूंगी ठीक है लेकिन बता नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू पहाड़ी और मीट लक्ष्मण मेरे चैनल का नया नाम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है, तहे दिल से आपका स्वागत है। और हम लोग आज मैं जो है आज भराड़ी शहर में हूँ, जो उत्तराखंड का एक विधानसभा भवन है। और यहाँ पर आज राज्य स्थापना दिवस हो रहा है, जो कि 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड उत्तरांचल था, पहले उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उसका हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। पीछे आज झंडा लहराया जाएगा और काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है, महिलाएँ काफ़ी साथ दे रही है और काफ़ी महिलाएँ इस आयोजन में आ रही है। गाड़ियाँ आ रही है धीरे धीरे, कई जगह से कई गांव से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं लोगों को। तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है और आपको बताएंगे। आपका नाम सुवारे देवी। आप उत्तराखंड वालों के लिए कुछ, आप यहाँ पे क्यों आए हो आज? आप कुछ संदेश देना चाहते हो उत्तराखंड वालों के लिए? मेरा नाम अनी देवी है। क्या संदेश देना चाहता है उत्तराखंड वासियों के लिए? उत्तराखंड वालों के लिए कुछ संदेश? आज इस घूमने के लिए आ रहे हम सारे, हमारे गांव पूरा टीम आप कुछ संदेश उत्तराखंड वासियों के लिए? अपना दिवस है। मेरा नाम कस्तूरा देवी है, पूर्व प्रधान सिलंगी से। हम सभी महिलाएं यहां पर आए हुए हैं और आज हमारा स्थापना दिवस है भराड़ी शहर में। सभी महिलाएं, बच्चे और हमारे यहां के युवक वर्ग सभी आ रखे हैं। सभी लोगों का मैं यहां पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं सिलगी गांव से आ रखी हूं। उत्तराखंड वासियों के लिए क्या बोलना चाहते हो? स्थापना दिवस है राज्य का, तो यही आप देहरादून में मना रहे हैं, जो शहर के लोग हैं, गांव वाले लोग उत्तराखंड में मना रहे हैं। मेरा नाम धनली देवी है। आज हम भराड़ी शहर में स्थापना दिवस के लिए पूरा गांव के लोग, महिलाएं आ रखे हैं, बच्चे यहाँ तो बहुत ठंडा भी हो रहा है। मेरा नाम सुशीला देवी है। आज महिला दिवस भराड़ी शहर हो गया, आप आने बोलने भी नहीं आते। आप कुछ कहना चाहते हो उत्तराखंड वासियों के लिए? आप कुछ कहना चाहते हो उत्तराखंड वासियों के लिए? बोलिए, क्या संदेश देना चाहते हो? हम सिलंगी गांव से आए हैं। आज यहाँ 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में स्थापना दिवस मनाने आ रखे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ आ रखे हैं यहाँ। धन्यवाद। तू पता आज कैसे कैसे आज पता चल आज कैसे? अरे महिला दिवस नहीं, चांद आज है राज्य स्थापना दिवस। आज के दिन हमारा उत्तराखंड जो है, पहले उत्तरांचल था, वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को, तो उसका हम लोग यहाँ पे झंडा रोहण करने आए हैं। सभी गांव की महिलाएं, सब लोग जितने हैं, जितना यहाँ पे सभी माताएं बहनों को हमारा प्रणाम। गैर महिला मंगल दल मल्ला से आए हैं। मेरा नाम श्रीमती अनिता देव अनिता गौड़ है और मैं गैर महिला मंगल दल मल्ला की अध्यक्ष हूँ। इसलिए बस हम ये आज हम यहाँ पे भराड़ी सेन, क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि आप यहाँ पे मतलब आपको आना है, क्योंकि आज स्थापना दिवस है। आज ये हमारा उत्तरांचल मतलब अलग होकर उत्तराखंड अलग हुआ था। बस इसी बात की खुशी है कि आज हम यहाँ पे आए हैं और आज हम स्थापना उसके लिए स्थापना दिवस के लिए हमने कहा हम झंडा रोहण को देख के आएंगे। मेरा नाम सावित्री है, सावित्री गौड़। हम उत्तराखंड से आए हैं, ये गैरसैन से। हमको इतनी खुशी हुई आज हमको मौका मिला भराड़ी सेन आने का। इतनी खुशी हुई कि हम सब लोग यहाँ पहुँच गए। तो आपने देखा महिलाओं के बीच कितनी ताकत है यहाँ पे उत्तराखंड में। और हम लोग अपना ब्लॉग चालू करेंगे और जो भी मौका रहेगा मेरे पास उसको हम लोग शूट करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आया था मैं रिकॉर्ड करने, लेकिन उस टाइम पे आधा बन रहा था भवन यहाँ पे। अभी जो है आप देख सकते हो पूरा ऑलमोस्ट 80% आपका बन चुका है। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, झंडा रोहण पता नहीं कब होगा, शायद कुछ परेड की तैयारियाँ चल रही है उस साइड पर, हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। उत्तराखंड देशवासियों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं खुद फिलहाल अरे रिकॉर्ड हो रही हूँ। आप कुछ संदेश देना चाहते हो उत्तराखंड वासियों के लिए इस चैनल के माध्यम से? हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, अपने उत्तराखंड अलग हुए, उत्तराखंड हमारा अलग हुआ था। हमारे उत्तराखंड के लोग उन क्रांतिकारियों को भूल गए हैं जिन्होंने अपने कुर्बानी दी है उत्तराखंड के लिए। हमें इस टाइम पे इन लोगों को याद करना चाहिए। अभी जो है आप विधानसभा भवन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि
वहाँ का अंदर का नज़ारा कैसा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए और शायद आप भी होंगे। तो दिखाता हूँ मैं अंदर कैसा है नज़ारा और चलते हैं अंदर। पे जो मेन एरिया है, जो भवन है, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे शायद आवाज़ गूंज रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि भवन का निर्माण कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये दिन पे जो है उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, तो उस संबंध में एक स्थापना दिवस के रूप में ये 9 नवंबर मनाया जाता है, खुशी का दिन से मनाया जाता है। उत्तराखंडवासी लोग बाग जो है उसके अवसर पर हम सारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम लोगों के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष दिन है, जब हमारे राज्य की स्थापना हुई। और इन अवधि में जिस प्रकार से हमारा राज्य बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो कि अपने क्षेत्र के विधायक हैं यहाँ पर, उनका आपने सुना कि वो भी चाहते हैं कि अपना जो राज्य है उसकी जो राजधानी यहाँ पर है बहुत जल्द से जल्द बने, यहाँ पर जो भवन का निर्माण हो रहा है बहुत जल्द से जल्द हो। तो सब लोग यही आस पे बैठे हैं कई सालों से, और काम चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कब होगा ये पता नहीं किसी को। जो भी है, फिलहाल आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और दिखाता हूँ बाकी का फुटेज आपको। नाम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ उत्तराखंड के इस 9 नवंबर के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हो हम अपने प्रदेशवासियों के लिए? आपका नाम? मैं पृथ्वी सिंह बिष्ट। कहाँ से? नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण। आप कुछ बोलना चाहते हो प्रदेशवासियों के लिए? दिवस में पूरे राज्य को आज बहुत खुशी का दिन है, जो भराड़ी सेन ने स्थापना दिवस मनाया विधायक जी के नेतृत्व में। आज इतने खुशी का माहौल है पूरे उत्तराखंड में कि हमको आजीर का राज्य प्राप्त हुआ था, और सारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते। ये हमारे साथ जानकी रावत जी हैं, जो कि पहले ब्लॉक प्रमुख थे, अभी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए उठे हैं। आप उत्तराखंड प्रदेशवासियों के लिए इस चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हो? जी, मैं सबसे पहले तो आज इस स्थापना दिवस पे जो उत्तराखंड के शहीद हैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ, और उत्तराखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। फाइनली वीडियो का शूट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे झंडा रोड हुआ। शायद आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस यही प्यार बढ़ाते रहें। बड़े चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पर आज भी इतना मतलब अच्छा समारोह हुआ, कोई भी मीडिया वाला यहाँ पर नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों, एक भी मीडिया वाला यहाँ पर नहीं जो कि दिखा सके कि हाँ यहाँ पर भी झंडा रोहण हुआ है, यहाँ पर राजधानी में भी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उसमें भी झंडा रोहण हुआ है। और एक बार फिर से आप सभी को, उत्तराखंड वासियों को एक बार फिर से बधाई, बहुत बहुत बधाई।